मेरे साथ संजय अंकल और वे बच्चे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। आप सभी दोस्तों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, और हमें खुशी है कि आज प्लान इंडिया के सौजन्य से हमें आप सबसे बातें करने का मौका मिला है। पर पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है। दोस्तों, इस कार्यक्रम को शुरुआत चेतना संस्था प्लान इंडिया और वन वर्ल्ड साउथ एशिया के सहयोग से हुआ। दिल्ली में यह एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों, आपने सुना कि ये कार्यक्रम बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया जाता है, और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसमें जो हमारे साथ जो लोग आते हैं वो बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी आवाज सुनाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक साहिल हैं, हमारे दोस्त, जिन्होंने इस कार्यक्रम को हमें बनाने में मदद की। आइए अब हम बात करते हैं साहिल से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने में मदद की। साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो साहिल, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस कार्यक्रम की एक जिंगल बनाई गई है, वो जिंगल में आपने हमें मदद की है, बताइए जिंगल कैसे बनाई गई है। पहले तो मेरे स्कूल में संजय अंकल आए थे, फिर मेरी म्यूजिक टीचर ने मेरे को कहा कि जो जो बच्चे गाते हैं तो वो अब मेरे रूम में आ जाएं और अपना ऑडिशन दें। तो मैं गया और मैंने एक गाना गाया, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। उसके दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। इससे मेरी ऑडिशन हुआ और मैं सेलेक्ट हो गया। ये उसके बाद 2-3 दिन तक हम चेतना इंस्टीट्यूट में जाए और कॉलेज स्टूडेंट्स ने गाना लिखा, कंपोज किया, और संजय अंकल ने भी हमारी हेल्प की। साइज में एक बात मैं आपकी जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो जिंगल है उसको बनाने का जो म्यूजिक है वो हमें जो दिया था हमारे कॉलेज के छात्रों ने, पर इस जिंगल को जो लिखा था वो हमारे स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन का जो ग्रुप है उसने लिखा, उसको कंपोज किया, और उसकी जो बातें थी वो उसमें लिखी। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को जो है ये जिंगल के 2 लाइन सुनाएं। सदियों से चुप रहते आए अब ना रहेंगे, बात अपनी अब सारी हम सबसे कहेंगे। ये बात है नन्हे दिलों की, ये बात है नन्हे दिलों की। मम्मी मुझे कुछ कहना मुश्किल है, भीड़ में चलना। पापा मैं कहना पाऊं, चाचा घूरे तो सहना पाऊं। ये बात है नन्हे दिलों की, ये बात है नन्हे दिलों की। बहुत बढ़िया साहिल, आपको लगता है कि पूरा जो रेडियो प्रोग्राम हमारा है वो हमारे श्रोताओं के सामने ला दिया है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। और अरुषि, हम क्या इस प्रोग्राम के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे, प्रोग्राम सुनाएं अपने श्रोताओं को। तो हम आपको उस प्रोग्राम की अब एक झलक सुनाते हैं जिससे कि आपको अंदाजा होगा ये प्रोग्राम क्या है, और उसके बाद हम अनुश्री की मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई जस्ट लव्ड एंकरिंग विद माय कंपेनियन अरुषि एंड विद यू अंकल एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंकरिंग। कैसे करते हैं आप, जैसे आपको जैसे प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, बनाते हैं, कैसे आप तय करते हैं कि कौन क्या बोलेगा? अंकल मुझे स्क्रिप्ट लिख के आप देते हैं और फिर मैं उसको जैसे जैसे मामा निकालती है स्क्रिप्ट, तो मामा मुझे उस टॉपिक के ऊपर समझाती है एंड देन आफ्टर दैट शी रीड्स मी आउट द स्क्रिप्ट एंड एक्सप्लेन्स मी द होल स्क्रिप्ट। ओके, जो पूरा आपका जो देखे तो वो कहना कैसे कहना, तो मैं अड़िया में बोलूंगा, हिंदी में ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं जानता नहीं हूँ इतना ना। तो केड़े सुंदर आम ए पृथ्वी, ताही भीतर रही आम भारत भूमि, सेठी रही विभिन्न राज्य विभिन्न अंचल, सेठी रही अनेक शिशु, से मानकर मध्य प्रतिभा अछि, से माने जदि से प्रतिभा को उद्भूत करिवे, से माने जदि प्रोत्साहन दिया जीव ताहेले से माने विभिन्न आंचलिक स्तर अंतर्जातीय स्तर से माने प्रतिभा देखे निज देश को आगे पारिवे, से मानको एही प्रोत्साहन देवा पई विभिन्न कंपनी मा विभिन्न
अंतर्जातीय स्तर कार्यवाही करा जाउछि जा द्वारा से माने निजर अनुभूति निजे जा भावुछते ता लेखि पाछते कहि पाछते अन्य को जणौछते तेनो मु देखा जाउछते से माने किछि खाइ पानाते पे पाना रहि पानाते ता आशा पत्र किछि नै तेनो से माने काल को बा कहिबे के कहबा को चाहिले के से माने को सुनु नांते बा से माने का कहबे लाज से माने मुह देखि पान नांते तेनो से माने को जदि आमे सेई प्रोत्साहन देबा ताहेले से माने निज अंचल चली चलने व्यवहार रीतिनीति सब से माने जानथिबे ताको से माने निज मन रु काढ़ी पारे ताने लेखि पारे से माने अन्य मानन को जणै पारे निज मन रे कोन अछि तेनो मु एतै कहबा पई चाहु छी जे से माने से मानन को जदि आमे प्रोत्साहन देबा ताहेले से माने मध्य किछि ना किछि जानछति बड़ माने जानछति ताहा नहि से माने मध्य किछि ना किछि जानछति से माने मध्य बड़ मानन को किछि शिक्षा दे पारे ताहेले तांकोठु मध्य आमे शिक्षा पाई परबा अल्प किछि शिक्षा पाइले मध्य आमर किछि क्षति होबनी ता द्वारा लाभ होई पारे आमर तेनु सेमाने प्रोत्साहन देबा द्वारा आम लाभ होउछि एवं आम राज्य आगोउछि आम देश आगोउछि ए जो कार्यक्रम गुडी को चालछि ता द्वारा सेमाने विभिन्न प्रोत्साहन पाए भलो भाबे आगे पाछति एबे मध्य देखा जाउछि आम सहरांचल रे गरीब संख्या कमी कमी जाउछि सेमाने सेमानो पिला मानो बापमा सेमानो पिला मानो बा संतान मानो विद्यालय को पठाउछते विभिन्न काम रे आगोछते जे माने कि आगे झियो ए तू झियोटा घर काम करे तू पो जा स्कूल को जा जमबाड़ी चास करे एंती करे सेंती करे घर को चला ताले एबे ताहा देखा जाउने सेमाने समस्त विद्यालय पठाउछते सेमाने शिक्षा लाभ कर पाछते सेमान चाकरी करछते सेमान निज घर मध्ये चलाउछते जहा द्वारा सेमानंकर आर्थिक परिस्थिति जा आगोची विद्यालय रे थिबा अवस्था बा रास्ता घाट नळकुबो इत्यादि विषय लिखते सेति मध्यरो केतेटा उदाहरण देबा मु जाउची मो साथी हेले उपेंद्र बांका जे कि कोरापुट रनपुर रे रहचते से गांग से कहजते तांको अंचल बहुत लोग गरीब चास काम कुली काम करी लोक माने निज परिवार रो चलांती घर थिया पुओ झियो मानंकु मध्य जमीन खटाती गाय चरिया छाड़ते कि पर लोक केवल पुओ मान पाठ पढ़ा विद्यालय छाड़ झील मान कुली काम करने को छाड़ते जहाँ फल शिशु श्रमिक संख्या बढ़िया संगे संगे बेकार अशिक्षित संख्या वृद्धि पाइबार लगे 14 वर्ष रु कम बहुत पिला कुली काम करने को जाने बापा माँ को मुझे पिला विद्यालय को पठावा कहली पुओ झील मान पाठ पढ़ापी सरकार बहुत व्यवस्था करद्यालय मध्यान भोजन मिली झील पिला मानक पोशाक बही मध्य जोगाई दि जाऊँ चौकी बस पुओ मान तेज बस दिन पुओ मान चौकी बस दिन थाई दिन पुओ मान स्कूल जाते झील मान चौकी बस दिन थाई दिन स्कूल जाते फल पाठ पढ़ा असुविधा शिशु किंतु 1947 अगस्ट 15 रे आम देश स्वाधीन होता किंतु समस्त स्वाधीनता मिलता और शिशु मान स्वाधीनता मिलता से कहवापी सुजोग मिलता कि समस्ते कहले समस्ते शुणी ना से आम कहूँ ये कहूँ कि आम कह प्रस्तुत अच्छा आप शुणा प्रस्तुत रुंतु आम सहयोग करने प्रस्तुत अच्छा आप सुजोग दे समस्ते कहते आज शिशु काल नागरिक आम कौच आज शिशु काल कल नागरिक सत कि बर्तमान आम अटू शिशु मान सब कहते केवल मान आप समस्त कहीगले कि शिक्षक प्रत्येक भूल अच्छी पे मानसिक जंत्रणा हूँ सत कि मानसिक जंत्रणा केवल सार ही दिखती सत नुह कि जानते कि गोटे पिला पढ़ाक प्रथम से खाद्य दरकार से खाद्य न खाइले पढ़व कौन से प्रथम सेठारे तार मानसिक जंत्रणा सृष्टि होता है एवं तापर स्कूल को गला शिक्षक न था जदि से शिक्षक था बुझ चेष्टा कर किंतु से बुझी पारे ना सेठार से प्रश्न भी पचार पारे ना कारण से प्रश्न पचार किपर से कह शक्ति ही ना जेहेतु से घरे कि भल भाव से ठीक खाई पारे ना।